नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया आइडिया समिट के बारे में, ठीक है। तो ये अभी कल ही हेल्ड हुआ है, तो इसके बारे में क्या अनाउंसमेंट है बात करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे बहुत कई सारे कुछ अच्छे पॉइंट्स रखे हैं सामने। तो वो क्या रखे, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, ये पहले जानते ये है क्या, या इंडिया आइडिया समिट है क्या, ये होता क्या है, ठीक है। देखिए, ये जो समिट, ये बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइज़ कराता है वो है USIBC, मतलब US इंडिया बिजनेस काउंसिल के लिए ऑर्गेनाइज़ कराता है। और ये क्या करता है बेसिकली, इसका मेन एम क्या रहता है कि जो बिजनेस पार्टनर है, जो बिजनेस पार्टनर है US के और इंडिया के, वो दोनों मिल के काम करे, या गवर्नमेंट वो मिल के काम करे, ठीक है। बेसिकली ट्रेड बढ़े, टेक्नोलॉजी बढ़े, सब मिल के बेसिकली काम करने वाला, ठीक है। देखिए, US इंडिया बिजनेस काउंसिल वाज फॉर्मड इन 1975 एज अ बिजनेस एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन टू इनलाइटन एंड इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर ऑफ बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट टू इन्हेंस इन्वेस्टमेंट फ्लो, ठीक है। तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को टारगेट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, बेसिकली दोनों कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करें, बेसिकली यही इसमें है। ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट लीडर, ठीक है। जितने भी बिजनेस और गवर्नमेंट लीडर, डायरेक्ट लिंक दोनों में इस्टेब्लिश करता है ये, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, जिसकी वजह से कंट्रियाँ ग्रो करेंगी। तो बेसिकली यही है। तो ये 1975 में फॉर्म होता है और ये इंडिया और US के बीच फॉर्म होता है, ये चला रहा है, तभी से ही चला रहा है। तो ये देखिए, ये जो इंडिया आइडिया समिट हुआ था, तो यही बेसिकली था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, USIBC ऑर्गेनाइज किया था इसको। इसमें मोदी जी के अलावा भी देखिए, एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है, वो एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, वो थे। और उसके बाद जो माइक पॉम्पे जो यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो भी थे। तो सब लोग अपना अपना उस पर दिया था। तो हम लोग तो जानते हैं हम लोग कि मोदी जी का क्या की पॉइंट था मेन, ठीक है। तो वो देखते हैं, की पॉइंट सेट बाय पीएम मोदी एट इंडिया आइडिया समिट 2020, ठीक है। ये देखिए, एक न्यूज़ का एक आर्टिकल है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट है। तो देखिए, इसमें क्या है कि इसमें पॉइंट सारे कवर किए हुए हैं। कि देखिए, पहला पॉइंट क्या है, एड्रेसिंग द समिट पीएम नरेंद्र मोदी सेड इट हैज टेकन अ ग्लोबल पैंडेमिक टू रिमाइंड अस हाउ इंपॉर्टेंट रिसाइलेंस इज, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इन्होंने यही बताया है कि बोला है कि जब ग्लोबल पैंडेमिक आता है, ठीक है, तो हम लोग को बताता है कि कितना जल्दी है उभरना, कितना जल्द से जल्द हमको जल्द से जल्द हम लोग को उभरना चाहिए, कितना ज़्यादा जरूरी है, ये चीज़ हम लोग को ये सिखा के गया है, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग एक चीज़ भूल गए कि हम लोग अपने इकोनॉमिक पे और ये सब चीज़ों पे फोकस करना भूल गए, और चीज़ों पे भी फोकस करना भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग को वो चीज़ याद रखना चाहिए, ठीक है। ऑन द वे वी फॉरवर्ड टू फोकस ऑन समथिंग इक्वली इंपॉर्टेंट, दैट इज रिसाइलेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक। जो एक्सटर्नल शॉक है उसके अगेंस्ट जो हम लोग को रिसाइलेंस है वो भूल जाते हैं। रिसाइलेंस मतलब होता है कि किसी चीज़ से उभरना, ठीक है, जल्द से जल्द उभरना, उसको कहते हैं रिसाइलेंस। तो ये है। दूसरा चीज़ इन्होंने बोला है कि देर इज अ ग्लोबल ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज इंडिया ऑफर अ परफेक्ट ओपननेस अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शन। तो बेसिकली इंडिया के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के बारे में बात करें कि इंडिया पूरा ओपन, बहुत ज़्यादा इंडिया दिन ब दिन ओपन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और लोगों को दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि भैया और सारी कंपनी आओ मेरे में इन्वेस्ट करो, ठीक है, और हम अपने कंट्री को और बहुत ज़्यादा रिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इंडिया के बारे में बात करें कि आइए आप लोग, मतलब इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहे हैं कि आप मेरे कंट्री में आके इन्वेस्ट करिए, हम लोग बहुत रिफॉर्म कर रहे हैं, दिन ब दिन डेवलप कर रहे हैं, हम लोग में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, कोई भी आके इन्वेस्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही है बेसिकली इनका। तो भाई, ये इनडायरेक्टली वे में बोल रहे हैं। तीसरा है, पीएम मोदी सेड टुडे इंडिया इज इमर्जिंग डेस्टिनेशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यही वाली बात है, इसी की मिलता जुलता बात बोले। और इसमें एक चीज़ इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि इंडिया में अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि देर आर मोर रूरल इंटरनेट यूजर देन इवन अर्बन इंटरनेट यूजर। मतलब इन्होंने बताया कि जो रूरल में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन, मतलब अर्बन में जो लोग, शहर में जो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो लोग गाँव में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा इनका कहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए नेक्स्ट, स्पीकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, और हमने बहुत सारे मशीन बना रहे नई, ये सब चीज़ें बात की हैं उन्होंने। और अगर देखिए इंडिया US के बारे में बात की है, तो बोला कि इंडिया और जो US वो नेचुरल पार्टनर्स हैं, ठीक है, इंडिया US नेचुरल पार्टनर है, और हर दिन पर दिन हम लोग का ट्रेड ज़्यादा बढ़ रहा है, हम लोग में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें बेसिकली, मतलब जो बेसिक चीज़ें वो सब चीज़ें इसमें बताया गया, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, मोदी जी ने ये भी कहा, उन्होंने अमेरिका कंपनीज़ को, फर्म्स को इनवाइट भी किया कि आइए आप मेरे हर सेक्टर में, एविएशन, हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, ये सब जगह आके इन्वेस्ट भी करिए। द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड अमेरिकन फर्म टू इन्वेस्ट इन सेक्टर लाइक हेल्थ केयर, एनर्जी, ठीक है, तो बोला है। उसके अलावा स्ट्रेसिंग दैट इंडिया एंड US आर वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड नेचुरल पार्टनर, पीएम मोदी सेड इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर अमेरिकन फॉर्म टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि ये सबसे अच्छा समय है अमेरिका का इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, सबसे अच्छा समय। क्यों ऐसा बोला, देखिए मैं बताता हूँ। अभी तो देखिए चीन से पूरा दुनिया
प्रॉब्लम है, ठीक है, चीन की, तो चाइना उसकी चाइना की वजह से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम में चल रहा है। तो चाइना से कंपनियां बहुत तेज निकल रही हैं, ठीक है, बहुत सारी यूएस कंपनियों भी भाग जाएंगे अपने कंट्री, तो सब इधर उधर भटकेगा सोचेगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसे बोला है कि जो भी यूएस कंपनियां को आना है वो हम लोग में आ सकते हैं, अभी टाइम बहुत अच्छा है, और अभी सच में इंडिया के लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितनी भी कंपनियां चाइना, क्योंकि चाइना में बहुत सारी यूएस कंपनी भी है, ठीक है, जापान की कंपनी, अलग अलग देश की कंपनी यहाँ पड़ी हुई है, तो सब लोग भागने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि दिन पर दिन रिलेशन यूएस के साथ खराब हो रहा है, अलग अलग कंट्री के साथ खराब हो रहा है, तो सारी कंपनियां वहाँ से निकल रही हैं। तो ये इसलिए बोले कि ताकि वहाँ की जो कंपनी निकले निकल के वो हम लोग के कंट्रीज में आ जाए, ठीक है, ऐसे बोले। तो ये सब इनडायरेक्टली ऐसे बोला गया, ठीक है, तो ये कहने का बेसिकली मतलब था इनका, ठीक। तो ये है फिलहाल, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।